आई एम गरिमा फ्रॉम करंट क्रंच एंड आज इस मॉड्यूल में हम लोग कंप्यूटर्स कवर करने वाले हैं सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एग्जाम के रिलेवेंस में. तो आप सबने सिलेबस देख लिया होगा और सिलेबस बहुत अपर लेवल ओवरव्यू लिखा हुआ है सिलेबस में, जिसमें हमारे पास है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, कंसेप्ट्स ऑफ computer virus and antivirus, hardware and software and elements of computer, and then role of IT in governance. ये हमारा पूरा सिलेबस है और हमने ये पूरी सीरीज़ इसी तरीके से प्रिपेयर करी है कि हम ये सारा सिलेबस कवर कर लें. यू ऑल नो कि कंप्यूटर सिर्फ 10 मार्क्स का आ रहा है एग्ज़ाम में, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर मतलब इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से जितना टाइम अपना सेव कर सकें, कम से कम टाइम में वो सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सीख लें. और वैसे भी इसमें हमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. दैट मीन्स हम लोग मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोई डेफिनेशंस होंगी जो आपको देनी होंगी या फिर कोई ईयर्स आपको कोई क्रैम करने होंगे. बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. दैट मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि रियल लाइफ बेसिस पे होंगे. लेट सपोज क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको ड्राइंग करनी है तो आपको कंप्यूटर के किस कौन से सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए या फिर कौन सी एप्लीकेशन आपको उसके लिए यूज़ करनी चाहिए. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन ऐसे क्वेश्चंस कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. सो ये पूरी ट्रेनिंग सेशन ऐसे क्वेश्चंस के को दिमाग में रख के बनाई गई है. हम कोशिश करेंगे, तो हमारा एजेंडा इसमें रहेगा कि हम ये सारा प्रोग्राम इस तरह से टेलर किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें कवर भी कर लें और कम से कम टाइम में ये सारी चीज़ें कवर कर लें. तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स, मतलब कंप्यूटर होता क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन चीज़ों के बगैर ये काम नहीं करता, क्या इसकी बेसिक जार्गन्स मतलब कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद उनका मीनिंग नहीं पता, तो वो सारी चीज़ें. उसके बाद हम जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस का मतलब कि जो प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको यूज़ करके हम क्विकली कोई काम कर सकते हैं, उनसे फेमिलियर होंगे. उसके बाद हम उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, फिर उनका थोड़ा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको क्विकली वो सारी चीज़ें खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप एक बार उनको देख लेंगे उन एप्लीकेशन को तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी. यू डू नॉट हैव टू क्रैम इट, आपको आराम से वो चीज़ें आप उसको अपने दिमाग में ला पाएंगे जब आप के सामने क्वेश्चन पेपर होगा. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हमारा इस कंप्यूटर्स सोशल मतलब इस पूरे कोर्स का रेलेवेंस कैसे रहेगा हमारे सोशल वेलफेयर के साथ, प्लस आईटी में हमारे कंप्यूटर्स की क्या ज़रूरत है. तो मैंने इस पूरे फर्स्ट मॉड्यूल को ऐसे ब्रेक किया है, तो इसमें हम 30 मिनट्स में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स करेंगे. 10 मिनट्स में मैं आपको सॉफ्टवेयर्स बताऊंगी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये सारी फर्स्ट मॉड्यूल में मैं ऑलमोस्ट आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगी, लेकिन वो ओवरव्यू बहुत ही ब्रीफ होगा. अगले अगले मॉड्यूल्स में हम उनकी डेप्थ में जाएंगे और उनके ऊपर MCQs करेंगे सो दैट आप उनको जल्दी से जल्दी आंसर कर पाएँ. उसके 10 मिनट्स में हम लोग इंटरनेट ब्राउजिंग पढ़ेंगे और फिर हम 10 मिनट्स में ईमेल कम्युनिकेशन को देंगे कि बेसिकली क्या होता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स हम 15 मिनट्स में करेंगे. तो बेसिकली ये एक डेढ़ घंटे एक सवा एक घंटे में आपको पूरे कंप्यूटर्स का ओवरव्यू समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम इसकी डेप्थ में जा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद लेट्स सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस. तो इसको हम बेसिकली डेटा प्रोसेसर्स भी बोलते हैं, डेटा प्रोसेसर्स, बिकॉज ये हमारा डेटा प्रोसेस करता है. हम इसको कुछ इनपुट देते हैं, इसके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है और ये उसमें हमारा डेटा प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है. प्रोसेसर उस सब चीज़ों को बोलते हैं जो कोई भी हमारे लिए काम करता है, जैसे कि फूड प्रोसेसर. फूड प्रोसेसर मतलब जो फूड को प्रोसेस करता है. हम उसको बोलते हैं कि आटा गूंद दो तो आटा, या फिर हम उसको बोलते हैं कि सब्जियां चॉप करनी है तो हम उसमें सब्जियां डालते हैं, मतलब हम उसमें इनपुट डालते हैं, वो उस सब्जियों को प्रोसेस करता है जो भी हमने बटन दबाया. अगर मैं उसको चॉप कहूँगी तो वो चॉप कर देगा, ग्रेट कहूँगी तो वो ग्रेट कर देगा, और जो भी आउटपुट होगी वो हमें दे देगा. तो ये उसी तरह का एक प्रोसेसर है, बट ये डेटा को प्रोसेस करता है. अब हम पूछेंगे कि डेटा क्या होता है. जो डेटा एक फॉर्म ऑफ सिग्नल होता है,
डेटा इज़ अ सिग्नल, हम सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा इनको प्रोवाइड कराते हैं. बेसिकली कंप्यूटर्स को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, वो हमारे जैसे हिंदी उर्दू नहीं बोल सकते, तो उनसे कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ डेटा. तो वो डेटा मतलब सिग्नल्स, तो सिग्नल्स के थ्रू हम उनको डेटा भेजते हैं और वो हमें वही डेटा सिग्नल्स के थ्रू वापस कर देते हैं. अब हमारा डेली डेटा बहुत तरह का हो सकता है, जैसे हम वो साउंड्स हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके के डेटा हो सकता है. तो हमें लेकिन इतनी इंट्रिकेसिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जिन्होंने हमारे लिए चीज़ें आसान बनाई हैं. जस्ट आपको मैं उसी तरह रेफरेंस दूँ, जैसे फूड प्रोसेसर होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं कि चॉप कर दिया जाए, तो हमें नहीं पता कि अंदर उसके क्या हो रहा है, हमें बस वो बटन दबाना होता है. तो उसी तरह से हमें उनको सिग्नल देने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस दिए प्रोवाइड कराए गए हैं, और उन्हें हमें वही डेटा प्रोसेस करके वापस देने के लिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिससे कि हम दोनों मतलब हम और जो कंप्यूटर जिसको मशीन भी बोलते हैं हमें, हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, इवन हम लोगों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती तो भी. अब इसमें कौन कौन से हार्डवेयर कॉम्पोनेंट इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो इसमें CPU, इसमें जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं वो यही होते हैं. CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि सारा काम इसी ने करना है, और बाकी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि हम इनको अपनी बात बता सकें और आउटपुट डिवाइसेस ये हमें अपनी बात बता सकें. लेट्स सपोज मैं इसको बोलती हूँ कि 2+2 कितना होता है, तो 2+2 मैंने इसको इनपुट दी, इसने CPU में उसको सोचा कि इसने अपने CPU के अंदर जो भी इसमें प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं उसके साथ इसने इसको बनाया, सम किया इसका और आउटपुट में हमें 4 दे दिया. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो हम लोग बात कर रहे थे कि कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में एक होता है CPU जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है, एक होता है मेमोरी. मेमोरी का मतलब है कि जहाँ ये अपनी चीज़ें स्टोर करता है. लेट्स सपोज अब हम लोगों ने हमें पता है कि कंप्यूटर क्यों बनाए गए. कंप्यूटर बनाए गए ताकि हमें आसानी हो सके, हम अपना सामान जो फाइल्स में स्टोर करते हैं, जो डेटा हम फाइल्स में रखते हैं मतलब फिजिकल फाइल्स में, वो हम कंप्यूटर में रख सकें और हमें कभी भी टेंशन नहीं रहे कि वो पेज फट जाएगा, उस पेज को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर कहीं चला जाएगा, गुम हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन अ मशीन और मशीन उसको ध्यान से रखेगी. तो ये सारा काम जो हमने उसको सेव करने को देना है कि ये तुम कहीं पर स्टोर कर लो, जैसे हम अपने घर में किसी अलमारी में कोई चीज़ स्टोर कर देते हैं, उसी तरह मेमोरी होती है कंप्यूटर की. तो मेमोरी का मतलब होता है जहाँ पर ये हमारे लिए सामान जो है वो स्टोर करके रखेगा और वो सेव एंड प्रोटेक्टेड रहेगा. नेक्स्ट थिंग इज इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस आर ऑल द डिवाइसेस जिनके थ्रू हमने इनको इन्फॉर्मेशन देनी है. जैसे अब मैं इससे इसको बोल के तो नहीं, जैसे अब इसको मेरी बात तो नहीं समझ में आती, तो मुझे इसको जब 2+2 कहना है तो मैं कहाँ एंटर करती हूँ. मेरे पास एक कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं. ये सारी कीज हम प्रेस करके या कोई भी कीज इसमें प्रेस करके हम इसको एक इनपुट सिग्नल देते हैं कि ये हम उसे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, और वो हम कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, आजकल माइक्स भी आ गए हैं, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन वापस देगा. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हैं टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. हम उनसे बात करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं. इनपुट डिवाइसेस ऑल दोज डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस जिनके थ्रू ये हमें कुछ पास करते हैं. तो हमने कीबोर्ड से 2+2 टाइप करके इनको कह दिया कि 2+2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, हमें बताएं. तो अब इसने हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है, ये बोलता तो है नहीं, इट्स अ फिजिकल मशीन. तो एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हमारे पास 4 लिखा आ जाता है, तो इसने हमें इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के थ्रू वापस करी है, तो स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस. हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ प्रिंट पेपर पे चाहिए, तो वो इसको, तो फिर एक प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया. तो इस तरह से हमारे पास डिवाइस कंप्यूटर्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं. अब कंप्यूटर के फंक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया, एक तो ये जो भी हम इनको इनपुट देते हैं वो इनपुट से ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, दैट मीन्स इट दे प्रोसेस आर डेटा, दे प्रोवाइड आउटपुट एंड दे डू स्टोरेज ऑपरेशंस. ये हमारे लिए चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, हमारे लिए डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो भी हम इनको डेटा इनपुट कराते हैं, और फिर उसी डेटा को हम प्रोसेस करके हमें ये आउटपुट भी देते हैं.
ये बहुत सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर्स. ये हमारे लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं, मल्टीमीडिया एडिट कर सकते हैं. वर्ड्स प्रोसेस करने से मतलब है, लेट्स सपोज मैं अगर एक ऐसे लिखना चाहती हूँ, अब मैं ऐसे लिख रही हूँ और मेरे पास इन्होंने कंप्यूटर्स में ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिससे ये मुझे बता देंगे. जैसे हमें नोट करना पड़ता है कि मेरे 250, अगर हम पेज पे लिख रहे हों तो हमें नोट करना पड़ता है कि कहीं 250 वर्ड्स हो तो नहीं गए मेरा ऐसे, कहीं 250 वर्ड्स से एक्सीड तो नहीं कर रहा. बट वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमें बहुत सारे फीचर्स के साथ हेल्प करते हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट, कि अगर हमें ऐसे लिखना है तो ये नीचे बता देगा कि कितने वर्ड्स हो गए हैं, या फिर अगर हमारी कोई ग्रामेटिकल एरर्स होंगी, कहीं आर इज ये वो गलत लगा होगा, वो भी हाईलाइट कर देगा. और भी बहुत सारे फंक्शंस, जो भी फंक्शंस टेक्स्ट के रिलेटेड होते हैं वो सारे वर्ड प्रोसेसिंग करता है. ये मल्टीमीडिया एडिटिंग, जैसे मैं अभी आपके सामने ये यहाँ पे सब एडिट कर रही हूँ, इस पर लाइन्स लगा रही हूँ, ये सारा कुछ दिस इज़ ऑल मल्टीमीडिया एडिटिंग. लोग इस पर अपनी वीडियोस बना के अपलोड करके एडिट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया एडिटिंग. कम्युनिकेशन, हम इनसे किसी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब हम किसी को ईमेल्स भेज सकते हैं, हम किसी से व्हाट मतलब कोई भी चीज़ों के थ्रू हम कंप्यूटर से किसी दूसरे इंसान, दूसरे कंप्यूटर, दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं. इंटरनेट ब्राउजिंग, हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक टास्क, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ टास्क दैट दे कैन डू, बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक. तो हम लोग अब देखेंगे कि कंप्यूटर टू कॉम्पोनेंट्स, बेसिक कंप्यूटर को हम के सारे कॉम्पोनेंट्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज सॉफ्टवेयर एंड वन इज हार्डवेयर. तो सॉफ्टवेयर इज लाइक द ब्रेन एंड सोल ऑफ द कंप्यूटर, जो कि आपको नज़र नहीं आ सकते बट वो हैं. तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो कि हार्डवेयर को बताते हैं कि हमें करना क्या है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर. और हार्डवेयर इज़ लाइक द फिजिकल बॉडी ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जो हम देख सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें हार्ड डिस्क होती हैं. अगर हम अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करें तो सारी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे हमारी फिंगर्स, ये इन सब, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं. और जो हमारी रूह है, मतलब जो हमारी सोल है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि उसको करना क्या है. और सॉफ्टवेयर एक पर्पस देता है. तो जैसे हमारी सॉफ्टवेयर बता, जैसे हमारा दिमाग हमें बताता है कि अब हमें चलना है, अब हमें बोलना है, तो उसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके ये दोनों कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ सकता है? सॉफ्टवेयर में हमारे पास, जैसे हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, तो सॉफ्टवेयर में पहली चीज़ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं. ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम सारा कुछ करते हैं. जैसे लेट्स सपोज आप लोगों के पास फ़ोन्स होंगे, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा या फिर किसी के पास आईफोन होगा, तो बेसिकली ये सारा कुछ सेम एक ही काम करते हैं, मतलब फ़ोन करते हैं आप दोनों फ़ोन से ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम करते हो. लेकिन एंड्रॉयड और आईफोन दिखने में अलग अलग हैं. जैसे अगर आप उनको खोलो तो उसके मैसेजेस कहीं और पड़े, जैसे फ्रेमवर्क डिफरेंट है, क्योंकि एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग, मतलब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, और जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक है. तो इस वजह ये इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जब हम लोग किसी चीज़ को खोलते हैं उसका इंटरफेस कैसा है, तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास एक विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये चार मेजर नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच आउट ऑफ फोर इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप आराम से देख सकते हैं. एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश, मैक का फुल फॉर्म है मैकिंटोश, इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. और सॉफ्टवेयर के अलावा हम अगर बात करें तो जैसे पेंट ब्रश या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है, स्लाइड्स हैं, एक्सेल है, हार्डवेयर 5 प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइडेड है. 5, नंबर 1 है सीपीयू, ये वाला जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. उसके बाद हमारा इनपुट, फिर आउटपुट, फिर हमारी वर्किंग मेमोरी और हमारी परमानेंट मेमोरी. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उसी तरह आप ये पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को अपने साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं.
सो हार्डवेयर इज एनी थिंग दैट वी कैन टच, मतलब कुछ भी ऐसा जिसको हम टच और फील कर सकें, देख सकें, टच कर सकें, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है. तो जैसे कि इस पिक्चर में आप आराम से देख सकते हैं कि ये सारा कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स है, ये सारा हार्डवेयर है. हार्डवेयर मतलब जो सारी चीज़ें जो कि आप टच कर सकते हैं. CPU हो गया ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इन चीज़ों से हम CPU को कोई डेटा प्रोवाइड कराते हैं. आउटपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस जिनसे वो हमें कोई आउटपुट देते हैं, जैसे कि मॉनिटर या फिर स्पीकर, ये सारे डिवाइसेस. वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है कि वो मेमोरी जब कंप्यूटर काम करता है तो उसको एक वर्किंग मेमोरी रखनी पड़ती है. वर्किंग मेमोरी जिससे, जैसे लेट्स सपोज मैंने उसको बोला 2 + 2 + 9 + 7 कितना होता है, तो उसको क्या करना होगा, हम भी अगर हम ऐसा करें तो हम क्या करेंगे कि 2 + 2 हम 4 करेंगे और इसको हम किसी अपने दिमाग में स्टोर करेंगे, फिर हम 4 + 9 करेंगे, उसको यहाँ पे कहीं स्टोर करेंगे, फिर वो उसको हम 7 से प्लस करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम आउटपुट दे देंगे. लेकिन इस काम करने के लिए जो हमें मेमोरी चाहिए उसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, मतलब जिसमें वो डेटा टेम्प्ररी स्टोर करता है अपनी कैलकुलेशंस या जो भी हमने उसको कहा है, तो वो उसको स्टोर करता जाता है और हमें रिजल्ट बता देता है. लेकिन ये मेमोरी वो हमेशा के लिए होल्ड नहीं करता, जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो वो ये मेमोरी को वाइप आउट कर देता है. तो दैट इज़ वर्किंग मेमोरी. परमानेंट मेमोरी वो मेमोरी जिसमें वो परमानेंटली कोई चीज़ें स्टोर करे हुए हैं, मतलब अगर हम कंप्यूटर को इवन शट डाउन भी कर दें, जैसे पावर ऑफ कर दें, उसकी लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी ये सारी चीज़ें, वो जो चीज़ें उसको परमानेंटली याद रखनी है वो हमेशा यहीं रहेंगी. तो वर्किंग मेमोरी और परमानेंट मेमोरी बहुत हद तक हमारे दिमाग जैसे काम करती है. जैसे कि हम सो के भी उठते हैं तो हमें हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं भूलती क्योंकि वो हमारी परमानेंट मेमोरी में पड़ी होती हैं. और कुछ जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, जैसे आज का दिन शुरू हुआ, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ खाने को बनाया, अगले दिन 4-5 दिन बाद मैं भूल जाऊंगी कि मैंने 3-4 दिन पहले क्या खाया था. तो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ वर्किंग मेमोरी. तो बेसिकली दीज आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU. तो इस मेमोरी को हम लोग रैम भी बोलते हैं. ये जो वर्किंग मेमोरी होती है इसको हम रैम बोलते हैं, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये वोलाटाइल, इसको हम वोलाटाइल बोलते हैं. वोलाटाइल मेमोरी मतलब जिसने थोड़ी देर के बाद रिमूव हो जाना है. लेट सपोज आप ये काम कर रहे थे 2 + 2, 4 + 9, इतने में लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जब आप इसको दोबारा रिवाइव करोगे तो इसको ये सब कुछ नहीं याद होगा क्योंकि वो सारा कुछ इसकी वर्किंग मेमोरी रैम में था. तो रैम ज़्यादा देर के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होल्ड करती. जो परमानेंटली होल्ड करती हैं, जो परमानेंट मेमोरीज होती हैं, वो होती है हमारी हार्ड ड्राइव, जिसको हम HDD भी बोलते हैं. हार्ड ड्राइव्स वो हम हमेशा, इवन कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी चलती रहती हैं. इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस. और आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमें डेटा प्रोसेस करके वापस मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम क्विकली थोड़े से MCQs कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ताकि हम उसका एक क्विक रिकैप कर लें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ CPU? सो CPU का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो CPU का बेसिक फंक्शन, हमारे पास ऑप्शन है स्टोरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, इट शुड बी डेटा, इट्स रिटन डेट, डिस्प्लेइंग आउटपुट, प्रोवाइडिंग इनपुट. सो स्टोरिंग डेटा, CPU डेटा स्टोर नहीं करता, डेटा स्टोर करती है हमारी स्टोरेज. प्रोसेसिंग डेटा, डिस्प्लेइंग आउटपुट, तो आउटपुट हमारा आउटपुट डिवाइसेस दिखाते हैं. और प्रोवाइडिंग इनपुट, इनपुट हमारा इनपुट डिवाइस दिखाते हैं. तो प्रोसेसिंग डेटा इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्प्रेरी स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट CPU नीड्स? रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, CPU कैशे. तो रैम जो हमने पढ़ा है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ये हमारी टेम्प्रेरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड स्टोर करती है. तो आंसर इज रैम. जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन इरेजेबल होती है. हार्ड ड्राइव पे भी हमारे परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है जो हमने रेज नहीं करनी होती. CPU कैशे भी वो मेमोरी होती है जो CPU 2-2 मिनट्स के लिए रखता है, लेकिन वो रैम नहीं होती. तो रैम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द CPU? आई थिंक दीज टू क्वेश्चंस आर रिपीटेड. सो द आंसर इज प्रोसेसिंग डेटा, क्योंकि स्टोर डेटा, आई हैव टोल्ड यू कि स्टोरेज स्टोर करती है. डिस्प्लेइंग डेटा, आउटपुट डिवाइस दिखाते हैं. कनेक्टेड टू इंटरनेट मॉडम होता है. तो ये बाकी आंसर्स गलत हैं.
प्रोसेसिंग डेटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक दिस क्वेश्चन ओके. सो द क्वेश्चन इज विच कॉम्पोनेंट अलाउज द यूजर टू इनपुट डेटा इन टू द कंप्यूटर, कि हम डेटा इनपुट किस में डालते हैं कराते हैं. मॉनिटर से हम डेटा इनपुट नहीं करा सकते क्योंकि मॉनिटर इज अ स्क्रीन जो हमें आउटपुट दिखाती है. कीबोर्ड हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा इनपुट कराते हैं. माउस भी एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जिससे हम डेटा इनपुट कराते हैं. प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें आउटपुट देता है. सो द राइट आंसर इज कीबोर्ड. सो द राइट आंसर इज कीबोर्ड. वट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव इन अ कंप्यूटर. सो हार्ड डिस्क जो है वो डाटा परमानेंटली स्टोर कराती है क्योंकि स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जो है वो हमारी इसमें नहीं पड़ी होती,